उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में दर्जनों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर मांग को ज्ञापन सौंपा। बदायूं में हुए रेप कांड को लेकर आम आदमी पार्टी में रोष व्याप्त है। आम आदमी पार्टी लगातार बदायूं में हुए बलात्कार के मामले में कार्यवाही की मांग कर रही है। वहीं जनपद बहराइच में भी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। आइए देखते हैं बहराइच ब्यूरो चीफ अब्दुल कादिर की खास रिपोर्ट। क्या मामला आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या मांग है? देखिए, बदायूं में एक घटना घटी है। 50 वर्षीय एक महिला के साथ रेप और उसकी हत्या कर दी गई। कुछ साल पहले निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश दहल गया था। ये घटना भी कुछ वैसी ही दिखाई दे रही है। बहुत भयावह तरीके से उसके साथ रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। आज हम लोग इसी को लेकर के, इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ आए हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग लाशें रही हैं, जैसे योगी सरकार असंवेदनशील हो चुकी है। होता क्या है कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, रेप की जब घटना होती है, तो योगी सरकार की पुलिस ऐसे मामलों में लीपापोती करती है, FIR दर्ज नहीं करती है। इस मामले में भी यही हुआ। 44 घंटे हो गए, उसकी माँ गई गिड़गिड़ाती रही कि FIR दर्ज करिए, मेरी बेटी खो गई है, उसका पता नहीं चल रहा, उसका पता करिए। लेकिन पुलिस ने उल्टे और उस पर लीपापोती करने की कोशिश की। जब महिला के बारे में पता चल गया तो पुलिस कह रही है कि इनका ऐसे ही क्रियाकर्म कर दीजिए, शरीर बेकार हो जाए। तो हम लोग का यही सवाल है कि बार बार ये चीज़ क्यों हो रही है। उत्तर प्रदेश में इतनी सारी रेप की घटनाएं, अभी इससे पहले भी हम लोग आए थे, हाथरस की घटना भी देश भूला नहीं है, फिर ये घटना घट गई। क्यों होती? इसीलिए होता है कि पुलिस को ये छूट दे दी गई है। उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ये छूट दे दी गई है। क्या मांग है आपकी, मुलजिमों के खिलाफ क्या क्या चाहिए? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो भी इसमें दोषी पाया जाए, चाहे वो मंदिर का पुजारी हो या जो कोई भी इसमें दोषी पाया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसमें त्वरित न्याय मिले। जैसे कि निर्भया केस में हुआ था, उसमें भी दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, उसमें भी हम बलात्कारियों के लिए फांसी की मांग करते हैं। और इसमें लापरवाही बरतने वाले जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो थाना सस्पेंड कर दिया गया, ये कोई बात होती है? उनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं ना घटें। लोग पुलिस वाले ऐसी घटनाओं के बारे में तुरंत FIR दर्ज करें, उनके अंदर इस बात का डर पैदा हो, खौफ पैदा हो। और योगी सरकार की बर्खास्तगी की भी हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार ऐसे मामलों में बहुत लापरवाही कर रही है। पुलिस की ऐसी लापरवाही सामने आ रही है, इसीलिए ये घटना इस तरीके से।